नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। बात करने जा रहे हैं प्रिया दीप को इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर या कहें कि यूट्यूब पर रिएक्शन क्यों मिलता है, इतना ज्यादा लोग उनको हेट क्यों करते हैं। हालांकि प्रिया दीप की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है, उनके सब्सक्राइबर उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जहां एक तरफ लोग उनको पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको काफी ज्यादा नापसंद भी करते हैं। इस चीज का आप इस तरीके से उदाहरण ले सकते हैं कि आप जब भी किसी रिएक्शन चैनल वाले के चैनल पर जाकर कमेंट में देखेंगे, अगर किसी ने डाला होगा कि भाई मुझे सजेशन दो, तो किसका सजेशन आएगा? प्रियादीप का सजेशन आएगा। आप उनको हेट कर सकते हैं, उनको पसंद कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्लियर कर देती हूँ कि ना तो मैं उनको हेट करती हूँ और ना ही ऐसा है कि मैं उनकी फैन हूँ। मेरे लिए वो ओके हैं। सोशल मीडिया पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिस तरीके से वो वर्क करती है, इस तरीके से वर्क करते हैं। आप कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ को ना पसंद करते हैं, कुछ आपके लिए नॉर्मल होते हैं, मेरे लिए भी वो नॉर्मल है। स्पेशली जब मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मेरे लिए वो इंडिविजुअल रिएक्शन होगा, जिसमें उनकी जो भी चीजें है ना, वो खुल के मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में। तो ये किसी के ना तो फेवर में जाने वाला है और ना ही किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो बात करते हैं कि प्रियादीप जो YouTube पर आई, वो उस वक्त आई जब YouTube पर जियो फ्री मिला, जियो पर YouTube वगैरह इनकी नेट फ्री मिला। तो उस वक्त में काफी लोगों ने बड़ी संख्या में YouTube पर प्रवेश किया, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में लोगों ने वीडियो बनाई। जैसे ही वीडियोस बनानी शुरू करी, लोगों को फ्री वीडियोस बनाने का मौका मिल रहा था, यानी कि फ्री में वीडियो अपलोड करने का, बहुत कम डाटा में, बहुत कम पैसे में आप वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते थे। उसी तरीके से लोगों को मौका मिल रहा था यूट्यूब पर चर्चाओं में आने का, यूट्यूब को देखने का, यूट्यूब पर वीडियोस देखने का। अब बहुत लड़कियां ऐसी होती जिनको मेकअप करने का शौक होता है बट उनको जानकारी नहीं होती। उनमें से एक मैं भी थी, मैं भी बहुत ज्यादा ऐसे चैनल्स देखती थी। और सच मानिएगा, ऐसे चैनल देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोफेशनल बन जाएगा। तो प्रियादीप ने भी इसी तरीके का चैनल बनाया, लोगों ने उनको पसंद किया, उनकी वीडियोस पसंद की। धीरे धीरे वो चढ़ने लगी, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। उसके बाद में बहुत से लोग, यानी कि एक जो बाढ़ थी वो जब आई थी जब जियो पे फ्री मिल रहा था, दूसरी बाढ़ जब आई जब लोगों को पता चलने लगा कि इसमें काफी अच्छी इनकम हो रही है, दूसरी बार जब आई तो उस वक्त प्रियादीप काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी थी, यानी कि काफी ज्यादा उनका चैनल चल रहा था। तो लोगों को एक चीज आई वहां पर कि आप अगर किसी यूट्यूबर से सपोर्ट मांगेंगे तो वो यूट्यूबर, अगर बड़ा यूट्यूबर आपको, जिसका अच्छे से लोग जानते हैं, आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके बारे में इंट्रो करेगा, लोगों को बताएगा, तो आपका चैनल जल्दी चल जाएगा। इसी के तहत प्रियादीप ने काफी लोगों की हेल्प भी की, यानी कि कुछ लोगों की वीडियोस अपने कम्युनिटी लैब में शेयर की, कुछ लोग जाकर उनसे मिले भी, आप जानते होंगे मिशिकास फैमिली वगैरह। तो उस वक्त प्रियादीप ने कुछ लोगों की हेल्प की। अब कुछ लोगों की हेल्प की तो लोगों को पता चल गया कि भाई ये यूट्यूबर है जो हेल्प कर सकता है, लोगों ने उनसे हेल्प मांगनी शुरू कर दी। बट प्रियादीप को जिन लोगों की उन्होंने हेल्प की थी, कहीं ना कहीं लोगों को उनसे जो है वो सपोर्ट नहीं मिला जो कि वो उम्मीद करती थी कि भाई मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ तो ये मेरे साथ में खड़े रहेंगे। लोगों ने ऐसा नहीं किया, कुछ लोगों ने उनको बैक स्टेप कर दिया और कुछ लोगों ने उनकी पीठ पीछे बुराई भी की, उन्हीं के सब्सक्राइबर लेके उन्हीं की बुराई की। तो उस वक्त में वो जो है हटने लगी। और एक बंदा अगर एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को कर रहा है, तो आप सोचिए कि इतने ज्यादा यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियो बनाने उस वक्त पे आए थे, क्योंकि कहां तक किसी किसी को प्रमोट करेगा, कहां तक किसी किसी का प्रमोशन होगा। और अगर वो एक प्रमोशन डेली कर भी रहा है तब भी आपको कुछ उसमें भला नहीं होने वाला। लेकिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती, वो जस्ट ये सोचते हैं कि आपको फ्री में सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी के सब्सक्राइबर आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे अगर उसने आपकी वीडियो शेयर कर दी। इसी के तहत जो है उन्होंने ऐसे यूट्यूबर को भी सपोर्ट किया, मतलब जो वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक यूट्यूबर है जो आज के टाइम में काफी ज्यादा चर्चाओं में है और आईएएस पीसीएस पता नहीं कुछ ऐसे हैं उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ है, वो इनके बेटे के बर्थडे पे भी गई, उसके बाद में इनके साथ जाके वीडियो भी बनाई और उसी के तहत उनका जो यूट्यूब चैनल है काफी ज्यादा अच्छा चल गया। बट उन्होंने भी प्रियादीप को नहीं पूछा, अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता वाला काम उनका हो गया, तो वो भी निकलती बनी। वहां पर जो ऑलरेडी प्रियादीप लोगों से हटने लगी थी सपोर्ट करने के लिए, वो और ज्यादा हटने लगी। उसके बाद प्रियादीप ने लोगों का सपोर्ट करना बंद कर दिया और
ये कॉमन सी चीज थी जो कि नॉर्मल थी कि भाई वो सबका सपोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या हरकतें शुरू कर दी कि उनका जो बर्थडे, जब उनके बेटे का बर्थडे होता था तो काफी लोगों के पास में उनका फोन नंबर चला गया, एक से दो से तीन से बहुत लोगों के पास उनका फोन नंबर था। तो वो जब कोई लोग उनसे सपोर्ट मांगते थे या कोई लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे या कुछ भी होता था तो वो लोग वो उनके स्क्रीनशॉट अपनी स्टेटस पर लगाती थी और लोगों से उनके बारे में चर्चा करती थी, जहां पर यानी कि ये कहें इनडायरेक्टली कि वो दूसरों को जो सपोर्ट उनसे मांग रहे हैं ये जानते हुए कि इनको सपोर्ट कर देगी या कुछ भी कर देगी। आप नहीं जानते कि कोई यूट्यूब पर है वो सपोर्ट मांग रहा है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरीके से अगर आप किसी के, भाई मैंने तुमसे सपोर्ट मांगा, तुमने वो लोगों को जाकर भैया तो मेरे से भीख मांग रही है, तो आपने दूसरों की इमेज खराब करनी वहां पर शुरू कर दी। भले ही ये भी था कि आपकी भी इमेज एक तरीके से खराब हो रही थी, बट आपने वो चीज समझते हुए उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए व्हाट्सएप पर, जिस वजह से जो वो व्हाट्सएप पर उनके जो साथ में जुड़े हुए थे वो इस चीज को लोगों को बताने लगे कि अरे यार तेरे करने लगी। दूसरी तरफ वो लोगों की बेइज्जती भी करते थे जा जाके कि अरे तुमने तो उससे हेल्प मांगी। तो इस तरीके से प्रियादीप की वजह से काफी ज्यादा प्रियादीप ने लोगों को जितना सपोर्ट किया था वो सब सपोर्ट चेंज हो गया उनके हेट्स में, क्योंकि वो लोगों को इस तरीके से बदनाम कर रही थी, इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशानी में कुछ लोग आ रहे थे, बदनाम किए जा रहे थे, बहुत से लोगों को टेंशन हो रही थी। तो इस वजह से लोगों को प्रियादीप से हट गए और प्रियादीप को जो प्यार और सपोर्ट मिला था वो नफरत में चेंज हो गया। ये प्रियादीप की पहली गलती थी कि किसी तरह वो लोगों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप पर, जहां पर वो सोचती थी कि मेरा पर्सनल है जो कि पर्सनल नहीं था क्योंकि बहुत से लोग उनसे जुड़े हुए थे, वहां पर वो उनका स्क्रीनशॉट जो शेयर करना था वो गलत था। अगर आप YouTube पर हैं तो रिएक्शंस के लिए तैयार हो जाएंगे, बट वो रिएक्शंस के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ सोचती थी कि लोग मुझे प्यार करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं था। कि जहां लोग प्यार करते हैं उनको काफी सपोर्ट करते थे, वहीं वो सपोर्ट अचानक से जाके हेट में बदल गया। अब ये मैं जो चर्चाएं बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सी चीजें इस तरीके की पता है। साथ में जो वो टाइम है ना प्रियादीप का कि वो लोग उनको इतनी ज्यादा पसंद करते थे और उससे चेंज हो गई वो, तो वो टाइम मैंने प्रियादीप का बहुत देखा है। उनकी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी एक काफी अच्छे खासी यूट्यूबर के साथ में, तो उसके बारे में खैर मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगी। वहां पर भी प्रियादीप को काफी लोगों ने सपोर्ट किया था और प्रियादीप को सपोर्ट करने के साथ साथ जो दूसरे यूट्यूबर है ना उनको मेंटली बहुत लोगों ने टॉर्चर भी किया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरी गलती। प्रियादीप एक मेकअप वगैरह के वीडियोस शेयर करती थी, एक इन्फ्लुएंसर थी, बट उन्होंने क्या किया कि जब वो आप फिल्टर लगाना नॉर्मल है, हर कोई अधिकतर मोस्टली लोग फिल्टर लगाते हैं, लेकिन जब आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट लोगों को दिखा रहे हो यानी कि उनको सजेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पर फिल्टर लगाने से क्या होता है कि उसका जो प्रोडक्ट का जो लुक है वो भी चेंज होता है। अगर आप फेस पर कुछ अप्लाई कर रहे हो साथ साथ में कलर भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें व्हाट्सएप पर या फिर कहीं भी एक चीज मानी जाती है कि ये एक एक्ट आता है कि भाई उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को बरगला नहीं सकते किसी चीज को खरीदने के लिए। वो लोगों को बरगलाना था कि लोग सोचते थे कि ये अरे ये इतना अच्छा है या फिर इसका कलर ये है, वो सोच के लेते थे और उनको मिलता कुछ था। फिल्टर लगा के किसी चीज का प्रचार करके भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, जो कि उनकी पोल लोगों ने खोल दी कि भाई मैं ये सामान मंगा रही हूँ और कलर इसका ही निकल रहा है, आपने झूठ बोला है वो। बट उससे ज्यादा बड़ी गलती प्रियादीप ने ये की कि उन्होंने इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ भाई ये मुझसे गलती हुई है कि भाई मैंने इस वजह से मैं फिल्टर लगाती हूँ और प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगी। बट उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की, वो चीज पे अड़ी रही कि भाई मैं फिल्टर नहीं लगाती। और दुनिया को इनडायरेक्टली बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी, जहां पर एक तरफ से उनके यूट्यूब पर जो लोग थे वो उनको नापसंद करने लगे, वहीं पर दूसरी तरफ जो उनके सब्सक्राइबर थे जो उनके कहने पर या फिर उनको पसंद करके वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो लोग भी उनसे कटने लगे। तो यही कुछ रीजंस है। सबसे पहला तो उनका जो घमंड है कि घमंड से ही उन्होंने इस तरीके से चीजें की होंगी, यानी कि स्क्रीनशॉट शेयर किए होंगे। दूसरी जो चीज है कि उनकी ये चीजें कि गलती अगर कर रहे हो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इस चीजों की वजह से भी लोगों में उनका थोड़ा सा हो गया। बाकी बहुत सी चीजें लोगों का कहना है कि भाई इसको पैसे का घमंड है, ये शो ऑफ करती है। तो
ये किसी इंसान की बेसिक नेचर हो सकती है कि वो अपनी नेचर की वजह से कैसे हो। मुझे ये चीजें प्रॉब्लम नहीं लगती और मुझे नहीं लगता कि लोग इसकी वजह से, हालांकि बहुत से लोगों को ये चीजें बहुत बुरी लगती है, अरे यार कितना दिखावा कर रही है, बट इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उनकी पर्सनल चीज है कि वो क्या चीज दिखा रही है। दूसरी ये चीज है कि वो उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया अपनी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में किया है, तो वो चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो उनकी सब चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से मैं कुछ नहीं वहाँ पर बोलना चाहूँगी। दूसरा ये है कि अगर वो फिल्टर अपनी नॉर्मल वीडियोस में अप्लाई करती है, कुछ भी करती है, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब हाँ, अगर आप प्रोडक्ट को दिखाते हुए या फिर मेकअप वीडियोस में अगर आप फिल्टर यूज़ करें तो वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत चला जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों को यही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आप खुद फिल्टर यूज़ कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि अगर लोग आपके तरीके से मेकअप करेंगे तो वो उनको वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपका आया, तो लोग कितने ज़्यादा परेशान उस चीज़ से हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हैं जिन चीज़ों की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने अपनी भाभी को प्रमोट किया, कुछ भी प्रमोट किया, तो अगर उनकी जगह आप हो तो आप भी यही करोगे? ये बहुत बचकांड हरकतें हैं कि उन्होंने अपनी भाभी को प्रमोट किया, कि अगर कोई इंसान बाहर वालों को प्रमोट कर सकता है वो अपनी भाभी को भी कर सकता है। उनकी लैंग्वेज से लोगों को प्रॉब्लम है, उनकी चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज से मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे साथ में खुद ही प्रॉब्लम है कि मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत होता है, और मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि भाई मुझसे गलत होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैं गलती हो रही हूँ तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।